Hey friends, did you know what is inside in hard disk? In this video, I will showing you the complete internal parts of a hard disk and their name and the working character of those parts. Watch this video completely and subscribe my channel on YouTube. Now, it's important to know which tools are required to open a hard disk. One T5 screwdriver, one tweezer, and one screwdriver flat type. Now let's see what is inside in hard disk. अब सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 स्क्रू हार्ड डिस्क के ऊपर लगी हुई है, 6 का साइज है T5. तो सबसे पहले 6 स्क्रू जो है उसको हम ओपन करेंगे. सो दिस इज द हार्ड डिस्क व्हिच आई एम गोइंग टू डिसेंबलिंग. अब ये 6 स्क्रू रिमूव करने के बाद सबसे ऊपर में आप देखिएगा एक मेटल का प्लेट लगी हुई है जिसको ऊपर पोर्शन में प्रेस करना है, यानी कि उसको पुल अप करना है. जैसे आप पुल अप करोगे वो मेटल का जो पोर्शन है वो निकल जाएगा. इसके लिए आप SR-T6 या SS-93 यूज़ कर सकते हैं जो बेटर है. ये देखिए बहुत ही ईजीली मैंने इसको रिमूव कर दिया और हार्ड डिस्क का जो इंटरनल पोर्शन है वो आप देख पा रहे हो. अब जो मेटल पोर्शन है उसके नीचे देखिए एक गैसकेट लगा हुआ है जो कि डस्ट और एयर से हार्ड डिस्क को आपका प्रोटेक्ट करता है. तो इस चीज़ का जरा सा ध्यान रखें ताकि ये ख़राब ना हो. अब चलिए इंटरनल पार्ट के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको देने का कोशिश करता हूँ. सबसे पहले ऊपर में लगी हुई जो प्लेट है उसके बारे में बात करते हैं. इस प्लेट में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक गैसकेट है और एक जो पोर्शन है छोटा सा आपको एक मैग्नेट यहाँ पे मिल जाता है. अब चलिए बात करते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स की. यहाँ पर सबसे ऊपर में जो आपको डिस्क दिख रहा है इसमें ही हम लोग सारा डेटा जो है स्टोर करते हैं. नॉर्मली ये ग्लास और ये एल्युमिनियम या तो सिरामिक से बनता है. नेक्स्ट बात करते हैं स्पेंडल एंड मोटर की. सेंटर में राउंड सर्कल का एक चीज़ आपको दिख रहा होगा मेटल का, ये एक्चुअली मोटर है जो ये डिस्क को रोटेट करती है. नाउ इसको कहते हैं हेड. इसके मदद से हम लोग किसी भी डेटा को डिस्क ऊपर राइट करते हैं और ज़रूरत पड़ने में उसी डेटा को दोबारा रीड करते हैं. नाउ अब हम एक एक करके सारे कंपोनेंट को इससे रिमूव करेंगे और इस डिस्क का कंप्लीट डिसेंबल करके आपको दिखाएंगे. तो चलिए अब डिसेंबलिंग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे कंपोनेंट का. इसे कहा जाता है एक्चुएटर एक्सिस. इसे कहा जाता है एक्चुएटर जो अभी हम रिमूव किए. अभी हम जो खुलने जा रहे हैं इसको कहते हैं एक्चुएटर आर्म और ये आप देख पा रहे हैं एक्चुएटर आर्म के ऊपर टॉप में जो लगी हुई है उसको कहते हैं हेड. अभी जिस चीज़ को हम ओपन कर रहे हैं इसका नाम है पार्किंग रैंप. बेसिकली ये हार्ड डिस्क को यानी कि प्लेटर को बैलेंस करने का काम में आता है और हेड को भी. मोटर स्पेंडल को खोलने के लिए T5 स्क्रू को ओपन करें. T5 स्क्रू को ओपन करने के बाद स्पेंडल के ऊपर एक कैप लगी हुई है मेटल का, उसको रिमूव करें. देन आपका हार्ड डिस्क जो है वो बाहर आ जाएगा. अब
प्लेटर को निकालने के लिए जस्ट हार्ड डिस्क को अपना हाथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे, उसके बाद इजीली प्लेटर जो है आपके हाथ में आ जाएगा। नाउ ये है एक्चुअल हार्ड डिस्क जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।